हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल साइक्लोइड। द स्टेटमेंट गिवन इज ड्रॉ साइक्लोइड ऑफ 40 mm डायामीटर सर्कल फॉर वन रिवोल्यूशन। अब 40 mm डायामीटर सर्कल है तो हमको 20 mm की रेडियस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरी 20 mm की रेडियस होगी। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनेगा 20 mm का। मेरा जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू 40 mm। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये सर्कल के 8 इक्वल डिविजन्स बनाएंगे। अब दोस्तों, जब ये साइक्लोइड यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं पाथ ऑफ द रोलिंग सर्कल। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन लिया। जैसे मान लो साइक्लोइड यहां से रिवॉल्व होना चालू करेगा ऐसे, और ये पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलर प्लेन पे, और वो जो कर्व बनेगा दैट इज साइक्लोइड। जैसे यहां से ये ऐसे रिवॉल्व होगा तो सबसे पहले ये यहां पे टच होगा, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं 1। ये जैसे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो यहां से जो पाथ है उसका डायमेंशन होगा पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर। हमारे केस में डायामीटर 40 है तो पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायामीटर इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 125.6। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां से जो लेंथ होगी हमारी होगी 125.6। अब इसके हमने 8 इक्वल डिविजन्स किए तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसके भी हमको 8 इक्वल डिविजन्स करना पड़ेगा। यहां से दोस्तों हम लोग मार्किंग करते हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2। अब हमको कुछ पैरेलल लाइंस बनानी है, तो यहां से हम लोग एक लाइन बनाएंगे 7 और 1 में से पास होती हुई। ये जो मेरी लाइन है दैट इज नंबर 4, ये जो मेरी लाइन है दैट इज 3 और 5, ये जो मेरी लाइन है दैट इज 2, 6, ये जो है दैट इज 7, 1 एंड फाइनली दिस इज 8 नंबर। अब फ्रेंड्स, यहां पे जो सेंटर है तो सेंटर यहां पे मेरा ये है। सेंटर में से जो लाइन पास होगी वो मेरी ये लाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वर्टिकल्स लेंगे, जैसे 1 से वर्टिकल। दोस्तों ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहां 1 जो वर्टिकल लिया ये मुझे देगा सेंटर नंबर 1, ये जो मेरा होगा सेंटर नंबर 2। अब कर्व जनरेट करने के लिए हमको कुछ आर्क लगानी है, तो जैसे ओरिजिनल जो मेरी रेडियस थी दैट इज इक्वल टू 20, C1 पे आप रखो सेंटर 1 पे, और ये जो पर्टिकुलर 1 नंबर है वो लाइन के ऊपर आप आर्क लगाओ। C2 पे रखो 2 नंबर वाली जो लाइन है उसके ऊपर आर्क लगाओ। C3 पे रखो 3 नंबर वाली लाइन जो है उसमें आर्क लगाओ। C4 देखा जाए तो फ्रेंड्स हमारा वर्टिकल यहां पे होगा। C5 से 5 नंबर की लाइंस, ये लाइंस। C6 से 6 नंबर की लाइन, C7 से 7 नंबर की लाइन, और C8 से 8 नंबर। अगर ये सारे पॉइंट्स हम लोग अच्छी तरह से अगर मार्क कर देते हैं, और यहां से फ्रेंड्स मेरा जो कर्व बनेगा, सबसे पहले मैं खाली ट्रेस कर लेता हूं ऐसे, और फाइनली जो मेरा कर्व बनेगा यहां पे, तो यहां से स्टार्ट है,
दिस इज माई साइक्लॉइड। ये जो कर्व मेरा यहां से बना, दिस इज साइक्लॉइड फॉर वन रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स मुझे नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो उसके जो स्टेप्स है, मुझे अगर यहां पे नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, ओरिजिनल रेडियस आप लो 20, जहां से आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वहां से सेंटर वाली जो लाइन है उसके ऊपर एक आर्क लगाओ, यानी कि यहां पे आपने एक आर्क लगाई। ये जो हमारा था वो पहला पॉइंट था, यहां पे मैंने ऐसे आर्क लगाई। उसके बाद ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा यहां से, मैंने उसको वर्टिकली डाउन किया अप टू पाथ। ये मेरा सेकंड नंबर का पॉइंट था। ये जो पॉइंट और जहां पे मुझे नॉर्मल बनाना है वो पॉइंट, इसको अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो वो मुझे देगा डायरेक्टली नॉर्मल, और ये नॉर्मल से परपेंडिकुलर लाइन जो मेरी बनेगी वो मुझे देगा टेंजेंट। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चैनल देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते रहिए, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।